हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज वीडियो इज़ अ सेल्फ केयर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपनी नेल पेंट को रिमूव कर रही हूँ। मैं अपने नेल पेंट को रिमूव करने के लिए पेपर नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इट इज़ अ वेरी इजी टू रिमूव योर नेल पेंट। आई ऑलवेज यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके बाद मैं अपने हैंड्स पे न्यू नेल पेंट कलर लगा रही हूँ। तो मैं अपने दोनों हाथों पर सेम नेल पेंट अप्लाई करूँगी। एज इट इज़ मैं अपने फीट्स पर भी सेम ही नेल पेंट अप्लाई करती हूँ। तो इससे एक अच्छा सा लुक आ जाता है आपके हैंड्स और फीट पे, और आपके हैंड्स और फीट क्लीन लगने लगते हैं और इससे न्यू कलर आ जाता है। तो नेल पेंट एप्लीकेशन डन होने के बाद हम अपना स्किन केयर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम अपने आप को सेल्फ पैम्पर करेंगे। वीक में एक बार को आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो फर्स्टली मैंने क्लेंजिंग मिल्क लिया है, मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी 5 मिनट्स के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अपने फेस पर क्लेंजिंग मिल्क लगाने के बाद, मसाज करने के बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है एक्सपोलिएट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। इससे आपकी स्किन की जो भी डेड स्किन है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। जब भी आप अपनी स्किन को एक्सपोलिएट करें, आप लोग ध्यान रखें कि आपके हैंड्स सॉफ्ट होने चाहिए। मीन्स आपको जेंटली मसाज करनी है। अगर आप अपने हैंड्स को हार्श रखोगे तो आपके फेस पर रैशेज होने के चांसेस है और रेडनेस भी हो सकते हैं। इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। अपने ब्लैक किड्स वगैरह मैंने रिमूव कर लिए थे। तो उसके बाद मैं अपने फेस पर टोनर लगा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। तो मैं नॉर्मली मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, तो मैं मसाज नहीं करूँगी। जस्ट 5 सेकंड के लिए अप्लाई करने के बाद मैंने अपने फेस पर फेस पैक लगाया। इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।